नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ शार्लेट एनिमे सीरीज के बारे में। टोटल इसके अंदर 13 एपिसोड हैं। अब इस सीरीज का नाम ये शार्लेट क्यों रखा गया, देखो यार, ये तो आप जब ये एनिमे सीरीज देखने बैठोगे और इसकी एंडिंग तक पहुंचोगे तब आप लोगों को खुद पता चलेगा। अगर मैंने ये बता भी दिया आप लोगों को इसका नाम क्यों रखा गया, एक तरीके से वो स्पॉइलर होगा और मैं ये चाहता कि शुरुआत में आप लोगों को स्पॉइलर देके इस एनिमे सीरीज का पूरा इंटरेस्ट खराब कर दूं। तो चलिए अब इस सीरीज की कहानी के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा बहुत आपका इंटरेस्ट क्रिएट कर देता हूं ताकि आप लोग इस एनिमे सीरीज को देखने के लिए उतावले हो जाएं। एक लड़का है ओतोसा का। अब वो क्या है कि उसके पास एक एबिलिटी है, एक तरीके से एक पावर है। पावर ये है कि वो किसी के ऊपर हावी हो सकता है, पोसेस कर सकता है 5 सेकंड के लिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको एकदम इजी करके समझाता हूं, समझ लो कि वो अपनी आत्मा को किसी दूसरे के शरीर में भेज सकता है 5 सेकंड के लिए। और वो खुद, उसकी एक वीकनेस किससे होती है कि वो खुद जो है उसके शरीर से अगर आत्मा निकल जाएगी वो तो खुद 5 सेकंड के लिए बेहोश हो जाएगा ना। तो जब वो किसी दूसरे शरीर पे हावी होता है तो वो कुछ भी कर सकता है 5 सेकंड के लिए। और उसके साथ साथ ये भी वीकनेस है कि वो खुद जो है वो बेहोश भी हो जाता है। अब ये इतना हरामी है ना, शुरुआत में ये अपनी पावर का ऐसे मिसयूज करता है कि वो किसी के नकल मारने के अंदर, यार ऑब्वियसली लड़के करेंगे क्या नकल मारने में, मतलब वो स्कूल में ही होता है तो नकल मार के सबसे टॉप हाई नंबर लेके आता है। और फिर वो क्या करता है, लड़कियों के ऊपर इसका यूज करता है। अब तुम समझ रहे हो ना लड़कियों के, वो किस तरीके से इस चीज का यूज करेगा। और ये सोचता है कि ये पूरी दुनिया में अकेला ही ऐसा है जिसके पास एक ऐसी पावर है जो दूसरे के ऊपर हावी हो सकता है। बट कुछ टाइम बाद इसको दो और टीनेजर इससे आके मिलते हैं। एक लड़की है तोमोरी, जो इससे आके कहती है कि भाई तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे जैसे मतलब जैसे एबिलिटी वाले एक स्कूल चलता है जिसमें जहां पर ऐसी एबिलिटीज या ऐसी स्किल, ऐसी पावर वाले जो है वो बच्चे जो वहां पर पढ़ते हैं, अपनी एबिलिटी के बारे में सीखते हैं। और साथ ही साथ इसका एक और लड़का आता है तोमोरी के साथ, एक और लड़का आता है, मुझे उस लड़के का नाम याद नहीं आ रहा। और ये दोनों जब अपनी पावर इसको दिखाते हैं तब इसको यकीन आता है। तोमोरी के पास एक जो पावर होती है वो एक तरीके से गायब होने वाली होती है। और एक बात यहां पर मैं बता दूं कि इस एनिमे सीरीज में जिसके पास भी पावर दिखाई गई है साथ ही साथ उसकी एक कमी भी होती है। जैसे यहां पर ओतोसाका की कमी क्या है कि वो 5 सेकंड के लिए मतलब खुद बेहोश हो जाता है। बट अभी मैंने इसमें पूरी तरीके से डिटेल से नहीं बताया और मैं बताना भी नहीं चाहता क्योंकि यार इसमें एक स्पॉइलर छुपा है। मैं आपको तोमोरी की एक वीकनेस इसके अंदर बता देता हूं, जो वो गायब हो सकती है। फॉर एग्जांपल 10 लोग हैं, उनके बीच में अगर वो गायब होना चाहे तो एक ही इंसान को चुनेगी के सामने वो गायब होना चाहती है। फिर उसने एक किसी इंसान को चुन लिया, उसके सामने वो गायब होगी, बाकी 9 को ये दिखाई देगी लेकिन उस एक इकलौते इंसान को ये दिखाई नहीं देगी। ये उसकी वीकनेस है। और एक जो दूसरा लड़का है उसके पास क्या पावर है कि वो टेलीपोर्ट हो सकता है कहीं पर भी। बट उसकी वीकनेस ये है कि वो टेलीपोर्ट तो मतलब एक जगह से दूसरी जगह होने लगा तो वो दूसरी जगह अपने आप को रोक नहीं पाता और ये अपने आप को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर लेता है, इतनी ज्यादा स्पीड है। तो ये दोनों मिलते हैं, ओतोसाका को बताते हैं कि भाई देखो यार तुम्हारी जो एबिलिटी है कुछ टाइम बाद जो है वो चली जाएगी जब तुम एडल्ट बन जाओगे। अभी तुम टीनेजर हो, तुम्हारे पास पावर है लेकिन कैसे एडल्ट की जो स्टेज पर पहुंचोगे तो तुम्हारी ये पावर है वो गायब हो जाएगी। और इसलिए अपनी पावर को मतलब तुम्हारी ये जान भी जा सकती है या फिर कुछ भी अपनी एबिलिटी को सुधारने के लिए तुम्हें स्कूल में आना होगा। और साथ ही साथ ये बता दे अगर तुम्हें कोई साइंटिस्ट पकड़ भी लेता है तो तुम पर बहुत ज्यादा टॉर्चर होंगे, इवन तुम्हें मार दिया जाएगा। तो अब क्या करता है ओतोसाका, अपनी एक छोटी बहन को लेकर ये इनके स्कूल में जो है वो ट्रांसफर हो जाता है, वहां पर वो पढ़ना स्टार्ट करता है। अब यहाँ पे एक कॉमरेड नाम का एक एनिमे कैरेक्टर है, वो क्या करता है इन तीनों को बताता है। अब ओतोसाका और बाकी जो दो एनिमे कैरेक्टर हैं ये मिलकर अपनी एक टीम बनाते हैं और इनको ये कॉमरेड बताता है कि यहाँ पर एनिमे जो जिनके पास पावर है, स्पेशल एबिलिटीज है, वो बच्चे कहाँ पर मिलेंगे। और ये जाते हैं उन बच्चों को समझाते हैं कि अपनी पावर का आने वाले टाइम में यूज मत करो, अगर कोई साइंटिस्ट तुम्हें पकड़ लेगा तो तुम्हें मार देगा या फिर तुम्हारी पावर जब तुम बड़े होगे तो तुम्हारे क्या होगा कि तुम्हारी पावर चली जाएगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगी तुम्हारी पावर क्या मतलब चलेगी और तुम अपनी जान को खतरे में डाल दोगे या एक तरीके से तुम मर जाओगे। इस एनिमे सीरीज को देखते देखते मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यार मैं एक तरीके से एक्समैन की सीरीज देख रहा हूं कि मतलब एक्समैन में भी ऐसा होता है ना, उनके बच्चों के लिए मतलब एक स्पेशल स्कूल होता है, उनके पास भी पावर होता है और जो प्रोफेसर होते हैं उनके पास पावर होती है कि वो दूसरे स्पेशल पावर्स वाले या एक्समैन को वो खोज सकते हैं। और कुछ ऐसा ही इसमें जो कॉमरेड का जो वो सीन इसमें दिखाया गया। देखो 5 से 6 एपिसोड तक तो बिल्कुल शानदार ये सीरीज चलती है, कॉमेडी भी भरपूर है जो इसके अंदर, जब ये तीनों क्या करते हैं बच्चों को ढूंढते हैं, उनको बचाते हैं। अब मैं सोच रहा था कि यार अब 5 से 6 एपिसोड बीत के इन्होंने कॉमेडी दिखा दी, अब ये सब चीजें एकदम फ्लुएंट चल रही है, अच्छी चल रही है, अब क्या दिखाने वाले। और फिर स्टार्ट होता है इसका रहस्य खुलना, एक तरीके से सीक्रेट या कह लो या राज, सब चीजें इसमें खुलनी स्टार्ट होती है। और उसके बाद जो इस सीरीज का इंटरेस्ट लेवल उठता है यार वो तो कमाल का है। अब देखो यार वो तो मैं बताने से रहा कि इसमें और चीजें क्या आने वाली है क्योंकि यार वही इसका एक मेन पॉइंट है।
मैं ये बता सकता हूँ, थोड़ा बहुत बताने की कोशिश कर सकता हूँ कि ओतोसाका को पता चलता है कि उसकी जो मेमोरी है, उसकी पास्ट की मेमोरी है, वो मिटा दी गई थी, इरेज कर दी गई थी। और ऐसा इसलिए किया गया था ताकि जो उसकी बहन आयोमी है और वो खुद है, उनकी इन दोनों की जान बच पाए, इनकी भलाई के लिए उनकी मेमोरी जो इरेज की गई थी। और इससे ये भी पता चलता है कि जो आज तक जो अपनी पावर को ये समझता था कि वो दूसरे पर हावी हो सकता है 5 सेकंड के लिए, एक्चुअल में ये पावर कुछ और ही है, इसको कुछ और ही करने के लिए यहाँ पर और ज्यादा पावर मिलती है यहाँ पर। अब देखो यार, मैं इसे डिटेल से तो नहीं बता सकता क्योंकि यार ये एक रिव्यू चैनल और मैं नहीं चाहता कि किसी का भी इंटरेस्ट खराब हो। और बहुत सारे जो मुझे बोलते भी हैं, यार तुमने तो पूरी कहानी बता दी, यार मैं कोई कहानी नहीं बताता हूँ, एक तरीके से मैं आप लोगों का उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करता हूँ। और जब इस सीरीज का इंटरेस्ट लेवल बढ़ना शुरू होता है तो इसमें एक ऐसा एपिसोड आता है यार, कसम से वो दिल दहलाने वाला होता है, इमोशनल होता है। और उस एपिसोड को देखने के बाद मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था यार, ऐसे कैसे हो सकता है, अच्छी खासी हंसी मजाक में ये सीरीज चल रही थी, मैं खुश था इसको देख कर, बट अचानक ये सब कैसे हो गया। बट अगला जो एपिसोड मैंने उसके बाद देखा, मुझे खुद यकीन तब भी नहीं हो रहा था यार कैसे हो गया। देखो यार मैं नहीं बता सकता, मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ, मुझे पता है मैं कैसे अपने आप को कंट्रोल करके, अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल करके आप लोगों के लिए मैं रिव्यू बना रहा हूँ। और उस एपिसोड के बाद जिसको मुझे मतलब मैं हैरान हो गया था वो देखने के बाद, और उसके बाद जो ओतोसाका में के जो बिहेवियर में परिवर्तन होता है वो कमाल का होता है, मतलब कमाल का क्या, बहुत खतरनाक होता है। और तोमोरी जो लड़की है वो इसको बचाती है, उसको मतलब समझाती है कि तुम्हें अपनी लाइफ को स्पॉइल नहीं करना चाहिए। इस सीरीज में कुछ ऐसे सीन या वाक्य ऐसे एपिसोड आपको लोगों को देखने को मिलेंगे जब आप समझोगे कि यार इसमें ये सब चीजें क्यों दिखाई गई हैं, तब आप लोगों को वहां पर समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब आप इसकी एंडिंग के नजदीक पहुंचेंगे, कुछ चीजें आपके सामने रखी जाएंगी, तब आप समझ पाओगे कि हाँ यार वो जो सीन जो दिखाया गया था उसका एक्चुअल में ये मतलब था। अब इस सीरीज की एंडिंग के बारे में बात कर लेते हैं। देखो यार इस सीरीज की एंडिंग थोड़ी सी निराशजनक कह लो या थोड़ी सी दुखदाई कह लो, कुछ ऐसा प्रतीत होता है देखकर। मतलब किसी ऐसी एनिमे सीरीज का रिव्यू करना जिसमें आप लोगों का इंटरेस्ट मैं उसकी कुछ बातें बताकर, इंटरेस्टिंग चीज़ें बताकर बढ़ा सकता हूँ या बता सकता हूँ, यार वो खुद के ऊपर कंट्रोल करना कितना मुश्किल होता है। आप लोगों को वो चीज़ें ना बताऊँ, वो चीज़ें साइड में रखकर, मतलब एक तरीके से छुपा कर आप लोगों को अपनी एक्साइटमेंट बता सकूँ कि यार अच्छी सीरीज है, यार कितना मुश्किल होता है। खैर मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि मैं अपनी जो एक्साइटमेंट है उसे कंट्रोल करूँ और आप लोगों को ऐसा कुछ भी ना बताऊँ जिससे आप लोग मतलब आप लोगों को स्पॉइलर्स मिल जाए। बट मैंने कोशिश की है कि आप लोगों का इसके अंदर इंटरेस्ट और ज्यादा बिल्डअप हो, और मैंने इस सीरीज समझाने की बहुत कोशिश की। आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आई होगी। मेरी तरफ से इस एनिमे सीरीज को मैं देना चाहूंगा 8 out of 10 स्टार। अगर किसी ने देख रखी है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी। अगर नहीं देखी तो काफी अच्छी सीरीज है, रिकमेंडेड करूंगा कि आप लोग जाके इसे अच्छे से देखें। मतलब इसके 5 से 6 एपिसोड आपका एकदम बेसिक से आपको बताएंगे, एक स्टोरी डेवलप करेंगे, फिर आपका इंटरेस्ट लेवल और ज्यादा इंक्रीज कर देंगे। खैर बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।